आज हमारा व्याख्यान है ये सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर राजस्थान का भूगोल, उसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान विश्व के प्राचीन भूखंड का अवशेष है। प्राकृतिक रचना की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में दो प्रकार की संरचना मिलती है। प्रागैतिहासिक काल में पृथ्वी को दो भूखंडों में विभक्त किया गया है, एक उत्तर का अंगारालैंड और दूसरा दक्षिण में गोंडवानालैंड। इन दोनों के मध्य में था टेथिस सागर। तो जो पहली संरचना है वह है राजस्थान का जो पश्चिमी भाग और उत्तर पूर्वी जो मैदानी भाग है यह उसी टेथिस सागर के अवशेष है। दूसरी संरचना जो अरावली पहाड़ी प्रदेश है और जो दक्षिण पूर्व का पठारी भाग है यह विश्व के प्राचीन भूखंड गोंडवानालैंड के अवशेष हैं। तो संरचना की दृष्टि से हमारा ये तो टेथिस सागर के अवशेष और दूसरा गोंडवानालैंड का भाग है। अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से कुल चार भागों में विभक्त किया गया है। एक नंबर पश्चिमी रेतीला मैदान, दो नंबर अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश, तीन नंबर पूर्वी मैदान और चार नंबर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती पठार। तो राजस्थान को भौतिक दृष्टि से चार प्रदेशों में विभक्त किया गया है। पहला पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। चार भौतिक प्रदेशों में अब लेते हैं हम पहला पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीला मैदान नाम से स्पष्ट है पश्चिम और रेतीला। तो राजस्थान का पश्चिमी भाग जहां रेत का विशाल भंडार है वह पश्चिमी रेतीला मैदान। भौतिक दृष्टि से देखें तो अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 640 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर 300 किलोमीटर में विस्तृत यह राजस्थान के कुल 175,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इस प्रदेश के लघु रूप से पुनः दो विभाग किए गए हैं। पहला शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा अर्धशुष्क मैदान या राजस्थान बांगड़ प्रदेश। पहला शुष्क रेतीला मैदान, इसके पुनः दो भाग किए गए हैं। फर्स्ट मरुस्थली, राजस्थान का दूर पश्चिम का भाग पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर
जहां रेत के विशाल भंडार है और बालू का स्तूपों का विस्तार मिलता है, यह मरुस्थली है। और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, अर्थात जैसलमेर और पोखरण के आसपास का क्षेत्र जहां बालू का स्तूप मुक्त है, अर्थात चट्टानी क्षेत्र है जहां बालू का स्तूपों का विस्तार नहीं है, इस शुष्क रेतीले मैदान के दो भाग। दूसरा हमारा आता है अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगर, इसके हमने चार भाग किए। पहला लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश, अपन सब जानते हैं पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी नदी। यहां एक जीके का सवाल आपका कंप्लीट होता है कि पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, लूनी नदी। या गोडवार प्रदेश, यहां गोडवारी भाषा बोली जाती है इसलिए इस प्रदेश को गोडवार प्रदेश भी कहते हैं। दूसरा इसका भाग है नागौर उच्च भूमि, तीसरा शेखावटी प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाह मैदान। अब यहां आपके एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, आंतरिक जल प्रवाह मैदान किसे कहते हैं? ऐसा प्रदेश जहां का नदियों का जल समुद्र में प्रवाहित न होकर क्षेत्र में ही लुप्त हो जाता है, आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश कहलाता है। तो इसका तीसरा भाग हमारा था शेखावटी उच्च प्रदेश, सॉरी शेखावटी आंतरिक जल प्रवाह का मैदान, और चौथा गग्गर मैदान या गग्गर प्रदेश। तो इस प्रकार राजस्थान अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगर को हमने चार भागों में बांटा है। पहला लूनी बेसिन या गोडवारी प्रदेश, दूसरा नागौर उच्च भूमि यह दलहन के लिए फेमस है, तीसरा आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र या शेखावटी निम्न भूमिया, और चौथा गग्गर नदी का मैदान जहां गग्गर नदी प्रवाहित होती है। दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। राजस्थान में अरावली एक विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृति है, यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वत श्रेणी वास्तविक रूप में तो दिल्ली से लेकर के और गुजरात तक लगभग 692 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है, लेकिन राजस्थान में यह कर्णवत रूप में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 550 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, अर्थात अलवर से लेकर के और ब्रह्मखेड़ा सिरोही तक यह 550 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। अरावली पर्वत श्रेणी निरंतर रूप में नहीं है बल्कि बीच बीच में टूटी हुई है, जिन्हें विंड गैप कहते हैं। विंड गैप वो गैप है जहां से आपके पश्चिम के मरुस्थल का विस्तार पूर्व की ओर हो रहा है। इस अरावली पर्वत श्रेणी को पुनः लघु रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, दूसरा मध्य अरावली श्रेणी, इसे पुनः दो भागों में बांटा है, एक पहला शेखावटी निम्न पहाड़ियां और दूसरा
मेरवाड़ा पहाड़ियां, तीसरा है मेवाड़ पहाड़ियां या बोराट पठार, और इसका चौथा भाग है आबू पर्वत खंड, अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश को हमने चार लघु भागों में बांटा है। पहला उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, दूसरा मध्य अरावली श्रेणी, इसको दो भागों में, एक तो शेखावटी की निम्न पहाड़ियां और दूसरा मेरवाड़ा की पहाड़ियां, तीसरा मेवाड़ की पहाड़ियां या बोराट का पठार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगे विस्तार रूप से अपन पढ़ेंगे जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और चौथा आबू पर्वत खंड, जहां आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसे कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है। राजस्थान का तीसरा भौतिक भाग है पूर्वी मैदान। यह मैदानी प्रदेश राजस्थान में अरावली और हाड़ौती पठार के बीच में फैला हुआ है, अर्थात इसकी पश्चिमी सीमा उदयपुर तक तो अरावली द्वारा और फिर नीचे 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है, जबकि पश्चिमी सीमा पर हाड़ौती का पठार आता है और ऊपर उत्तर प्रदेश आता है। यह मैदान राजस्थान के लगभग 23.3% क्षेत्र को घेरे हुए है, और यह मैदान जैसा मैंने पूर्व में बताया था 33 सागर के अवशेष है, जहां नदियों ने मिट्टी लाकर यहां जमा की है, अर्थात नदियों द्वारा बनाई बिछाई गई मिट्टी का प्रदेश है। इसलिए राजस्थान का बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है, कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। इस पूर्वी मैदान को भौतिक दृष्टि से हमने पुनः तीन लघु प्रदेशों में विभाजित किया है, क्योंकि यह प्रदेश वर्तमान में तीन नदियों का महत्वपूर्ण प्रदेश है। पहली चंबल नदी, दूसरी बनास नदी और तीसरी माही नदी। ये तीन नदियां इस मैदान को सिंचित करती है, पोषित करती है। इसी आधार पर हमने इसके तीन लघु विभाग किए हैं। पहला आता है हमारा चंबल बेसिन, दूसरा बनास बेसिन और तीसरा मध्य माही बेसिन या छप्पन का मैदान या राजस्थान वागड़ प्रदेश। यहां विशेष रूप से ध्यान दें, ये राजस्थान वागड़ है और पश्चिमी रेतीला मैदान में हमने पढ़ा था राजस्थान वागड़ प्रदेश, यह है वागड़ प्रदेश। तो पूर्वी मैदान को तीन भागों में हमने विभाजित किया है, जहां चंबल नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बहती है वो चंबल बेसिन आता है, जहां बनास नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बहती है बनास बेसिन में आता है, और जहां माही नदी, मध्य माही का हमने लिखा है कि माही नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है और यू टर्न लेते हुए गुजरात में चली जाती है, इसलिए माही के मध्य का बेसिन है, इसलिए मध्य माही बेसिन है, इसको छप्पन का मैदान भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, छप्पन का मैदान किसे कहते हैं या कहां स्थित है। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के 56 ग्राम समूहों का प्रदेश जो माही नदी के कांठे में स्थित है 56 प्रदेश कहलाता है, या माही नदी के आसपास के 56 नदी नालों का समूह है जो 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है, या राजस्थान वागड़ प्रदेश जहां वागड़ी भाषा बोली जाती है, इसलिए राजस्थान वागड़ प्रदेश भी कहते हैं। इसके बाद हमारा चौथा प्रदेश आता है राजस्थान को जो चार भागों में हमने बांटा है भौतिक प्रदेशों में, उसमें चौथा भाग आता है दक्षिण पूर्वी
पठारी प्रदेश या हाड़ोती पठार। पूर्वी मैदान के पूर्व में प्रायद्वीप में पठारी प्रदेश का ही विस्तार है जिसको हम हाड़ोती पठार के नाम से जानते हैं और यह हमारे राजस्थान के 9.6% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह पूर्व में आगे बुंदेलखंड तक राजस्थान के बाहर फैला हुआ है और दक्षिण में यह हाड़ोती का पठार मालवा के पठार से मिल जाता है। इस पठार को हमने पुनः दो लघु विभागों में बांटा है। पहला है विंध्यम कगार भूमि और दूसरा है दक्कन पठार या दक्कन लावा पठार। भारतीय भूगोल में ये प्रथम वर्ष में आपने दक्कन लावा पठार के बारे में बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा है। तो यह दक्षिण पूर्वी हाड़ोती पठार है जिसको दो भागों में बांटा है, विंध्य कगार भूमि और दक्कन लावा प्रदेश। ये हो गए राजस्थान के भौतिक प्रदेश या राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजन। यह व्याख्या निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।